हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊँ कैसे खुद का पीसेड बना सकते हो ओनली लाइटरूम ऐप से। ओके, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मैं फ़ोन से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ गलती हुआ इसलिए सॉरी। पूरे लाइट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद एक्सपोजर को थोड़ा माइनस कर देना है, कंट्रास्ट को प्लस कर देना है, 20 रख देना है, हाईलाइट को भी थोड़ा प्लस कर देना है, 25% रख देना है, शैडो को भी प्लस कर देना है, 60 के आसपास रख देना है, और वाइट को भी 70 पास रख देना है, ब्लैक को 34 प्लस कर देना है। ओके, इसके बाद कलर ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन को 10 प्लस कर देना है, सेकंड ऑप्शन को 5 माइनस कर देना है, ब्राइटनेस को भी थोड़ा प्लस कर देना है और सिचुएशन को माइनस कर देना है। ओके, इसके बाद कलर मिक्स ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद पहला ऑप्शन को थोड़ा माइनस कर देना है, 20 का ऑप्शन रख देना है। ओके, इसके बाद लैमिनेशन को भी थोड़ा माइनस कर देना है और सिचुएशन को प्लस कर देना है। ओके, 60 प्लस रख देना है, लुमिनेंस को 21 कर देना है, कलर को भी पहला ऑप्शन को प्लस कर देना है। ओके, सिचुएशन को माइनस कर देना है 10 और लुमिनेंस को प्लस कर देना है 10। ओके, इसका हो गया। नेक्स्ट कलर को जाते हैं। इसके बाद पूरा पहला ऑप्शन को भी 60 के आसपास प्लस कर देना है, सिचुएशन को भी 16 के आसपास रख देना है और लुमिनेंस को माइनस कर देना है 10। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कलर को ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओके, इसको भी थोड़ा पहला ऑप्शन को माइनस कर देना है 27 और सिचुएशन को 32 प्लस कर देना है और लुमिनेंस को भी 13 माइनस कर देना है। ओके, उसके बाद भी जो भी कलर है वो कुछ काम का नहीं, तुम्हारे हिसाब से रख सकते हो, तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड जिस हिसाब से रख सकते हो। ओके, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद इफेंट का ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद पहला ऑप्शन को 50 के पास प्लस कर देना है। ओके, क्लैरिटी को माइनस कर देना है। ओके, ये माइनस कर देना है क्लैरिटी को। ओके, 20 के पास रख देना है और दहेज को भी थोड़ा प्लस कर देना है, 24 रख देना है, बिग नेट को माइनस करना है, 80 रख देना है, इसको हाईलाइट को भी थोड़ा प्लस कर देना पड़ेगा, हाईलाइट को थोड़ा प्लस कर देना है, तुम्हारे हिसाब से रख देना है, मैं इतना रख सकता हूँ इतना रख रहा हूँ। ओके, इसको रख सकते हो तो नहीं रख सकते कोई बात नहीं है, क्योंकि गाइस तुम्हारे बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। ओके, उसके बाद डिटेल ऑप्शन क्लिक कर देना है। ओके, इसको भी थोड़ा इतना प्लस कर देना है, 27 रख देना है। ओके, सेकंड भी जो कलर नोज का ऑप्शन हो इसको भी प्लस कर देना है, कंट्रास्ट को थोड़ा प्लस कर देना है, 90 के आसपास रख देना है। तो हो गया इस मेरा पी सेट अभी तक टोटल ऊपर रेडी हो गया। पहले कैसा अभी कैसे हो गया देख सकते हो आप। ये भी आ गया सबसे बड़ा काम, तुम बोलोगे फोटो तो हो गया एडिटिंग और इसको पी सेट कैसे बनाएंगे। ओके, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर से वो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर देना है। ओके, इंपोर्ट करना है जो फोटो नंबर ऑप्शन को क्लिक करना है। ओके, वैसे DNG रखना है वो कुछ नहीं, DNG रखना है। ओके, इसके बाद राइट चिन्ह को क्लिक कर देना। ओके, तुम्हारी पी सेट अभी पूरा तरीके रेडी हो जाएगा। ओके, और थैंक्स वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।